इसमें क्या है कि इस आज हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन दो चीज है, परिवहन दो जगह पे होता है, ह्यूमन एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। तो आज हम लोग प्लांट का पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग ह्यूमन का पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिवहन वैसे भी सब जो परिवहन होता है हम लोग का हार्ट के थ्रू होता है पूरे बॉडी में, ठीक। तो जब ह्यूमन वाला पढ़ेंगे तो कल पढ़ा जाएगा, और आज हम लोग प्लांट का देखते हैं। इसमें देखिए, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, उसी को परिवहन लिखा रहता है। बस वगैरह पर देखिए परिवहन लिखा रहता है, मतलब वो एक जगह से आपको चढ़ाएगा, दूसरे जगह आपको उतार देगा जहाँ आपको जाना रहता है। तो उसी तरीके से उसको परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किस में? प्लांट में, पौधों में ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अब जितने भी पौधे होते हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सभी के सभी स्वपोषी होते हैं, ठीक। वो भोजन बनाने के लिए वो किस प्रोसेस का हेल्प लेते हैं? तो फोटोसिंथेसिस का। किसका? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वो अपना भोजन खुद का बनाते हैं। तो जो खुद का भोजन खुद से बनाए उसी को कहा जाता है स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। अब क्या है कि अब इसको फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए रॉ मटेरियल आप लोग को हम बताए थे कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो CO2 गैस चाहिए पहले, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए मतलब कि हीट चाहिए, ठीक। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल आपको पता है कि इसके लीफ पत्ते में अगर पत्ता हरा है तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं है। जब तक क्लोरोफिल, हाँ, पर्णहरित, हिंदी में पर्णहरित, ठीक है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। हाँ, क्लोरोफिल तो हिंदी में, लेकिन उसको बोलेंगे पर्णहरित, ठीक है। हाँ, ये कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अगर कोई भी पौधा जहाँ जहाँ पे हरा हरा पोर्शन दिख रहा है उन सब जगह पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उन सभी जगहों पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, ठीक है। इसको अब क्या कि अक्सर पत्तों को इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि पत्ते ही आमतौर पे हरा पाए जाते हैं। डंठल वगैरह जब उसका देखेंगे तो डंठल वगैरह भी क्या होता है कि हरा रहता है, तो फोटोसिंथेसिस उसमें भी होता है। जैसे अभी पतझड़ का मौसम आ गया, अब जितने भी पत्ते रहेंगे झड़ जाएंगे, तो पत्ते नहीं रहेंगे तो फिर दोबारा पत्ता आया कहाँ से, ठीक। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो पेड़ जीवित रहेगा ही नहीं। तो जब सारे पत्ते जब झड़ गए तो फिर भोजन कहाँ बनाएगा? तो भोजन बनाने के लिए क्या करता है कि जितना डंठल उसका हरा बच जाता है ना, उसमें वो अपना भोजन बनाता है। उसके द्वारा क्या होता है, फिर उसके बाद पत्ते निकल आते हैं, वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, फिर वो ग्रो करता रहता है। तो उसको रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स है। तो ये सब, अब बात ये आती है कि हम लोग के घर में अगर खाना पीना बनाना है तो हम लोग को सामान भी कहीं ना कहीं से आता है। पानी की सप्लाई आती है, कोई मटेरियल चाहिए, दाल सब्जी जो भी कुछ चाहिए, हम लोग भी कोई ना कोई कहीं से आके पहुंचा के जाता है। कोई नहीं लाता तो हम लोग खुद आ जाकर ट्रांसपोर्टेशन खरीदे, खुद जाके खरीद के लाते हैं, खुद घर पर फिर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से इसका भी है। तो इसके भी रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे सामानों के लिए क्या चाहिए? इसका भोजन बनाने के लिए कोई ना कोई परिवहन पहुंचाने वाला होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस कैसा होता समझिए। तो इसके पाइप की तरह एक वेसल होती है, नालिकाएं या फिर वाहिकाएं होती हैं पाइप की तरह, पौधों में भी या प्लांट या ट्री में भी। तो वो कौन सा होता है? तो वो सेल की तरह होता है। अब वो सेल क्या होता है? इलोंगेटेड, वो लंबी लंबी सेल होती हैं, बहुत मोटी मोटी होती हैं वो, हाँ, ठीक, वो होती हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह है जो डिलीवरी का काम करता है, ठीक है। आपको वस्तु चाहिए, आपने ऑर्डर किया, ला के पहुँचा दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, ये भी ये दोनों उसी तरह हैं, लेकिन इन दोनों के काम जो है बिल्कुल अलग अलग है, ठीक। जाइलम, इसका अब सबके काम निर्धारित किए गए हैं कि कोई एक आदमी क्या करेगा कि पानी मिनरल्स ये सब क्या करेगा, खनिज पदार्थों को पहुँचाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जाइलम का हिंदी नहीं होता है बाबू, जाइलम नाम है ये, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, ये सब नाम है, ठीक है, इसका हिंदी नहीं होता, ठीक, फ्लोएम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जाइलम जो है ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो ये अधिक तौर पर आपके दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल मतलब कि ये जल और खनिज पदार्थों का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से कहाँ करता है? तो ये करता है रूट टू शूट, ये कहाँ से रूट टू शूट करता है, याद रखिएगा, जड़ से लेकर पत्तियों तक,
हाँ, पत्तियों के आखिरी कोने तक जल को पहुंचाने का, मिनरल पहुंचाने का कौन कौन काम करता है? ये जाइलम। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम जाता है, क्लियर है? क्या क्या लेकर, तो उसके जड़ों में जितना कुछ ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मिनरल्स, विटामिन, जो कुछ भी है उसमें ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो ऑब्जर्व करने के बाद वो टोटल कौन पहुंचाने का काम करता है? जाइलम। तो जाइलम मेनली क्या पहुंचाता है? मिनरल एंड वाटर्स, ठीक है। और ये कहाँ तक? रूट टू शूट, मतलब के पत्ते के आखिरी बिंदु तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम। तो ये मटेरियल पहुंचाया, अब क्या कि मटेरियल पहुंचाएगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलेगी, वहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से फूड बनाएगा, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज बनेगा तो फिर अब भोजन बन गया तो सभी को खाना भी तो है, ठीक। तो खाने की सप्लाई क्या कौन करेगा? तो खाने की सप्लाई करने के लिए कौन है? फ्लोएम, फूड है। तो फूड कौन से रूप में बनाता है पौधा? तो पौधा बनाता है ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6, ठीक है। लेकिन अब पौधे को सप्लाई करना है पूरे शरीर में, तो अब सप्लाई कर दिया, कुछ बच गया, तो बच गया तो किस रूप में स्टोर करेगा? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है, ठीक, मंड के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप में करता है, जो कि फल, जो फल मिलते हैं हम लोग को उसी का सेविंग का नतीजा होता है, क्लियर है, ठीक। जैसे हम लोग के पास खाना ज़्यादा बच गया तो हम लोग फ्रिज वगैरह में सेव करते हैं, फिर अगले दिन यूज करते हैं, या कोई खाने के लिए दे दिए, उनके पास ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब सेव करते हैं तो स्टार्च के रूप में धीरे धीरे जाकर उसमें फल बन जाता है, ठीक। वो जो फल मिलता है तो वही ज़्यादा ग्लूकोज बन गया था, नहीं हो पाया तो फल के रूप में धीरे धीरे वो लोग स्टोर कर लेते हैं। अब समझिए कि जाइलम में जो ट्यूब रहता है, जो जाइलम, वो किसका बना रहता है? तो वैस्कुलर टिश्यू का। किसका बना रहता है? वैस्कुलर टिश्यू का। वाहिकाएं किसकी बनी रहती हैं? वैस्कुलर टिश्यू का बनी रहती हैं। और इसमें क्या फ्लो करता है? तो वाटर फ्लो करता है, और वाटर को मेसोफाइल वहाँ पर जा को पंप करने में मदद करता है। मेसोफाइल आखिरी बिंदु पर पत्ते में मिलेगा, उसी को वहीं पर जा को उसको पंप करता है कौन? जाइलम, क्लियर हुआ, उसको जाके पंप करता है। अब देखिए, अब ये पानी अगर पत्तों तक पहुंच रही है तो भोजन बना है तो इवापोरेशन होगा। हम लोग भी खा पी लेते हैं तो डकार वगैरह आता रहता है, तो इसमें भी क्या होता है? इवापोरेशन होता है। स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा रंग, इसको हिंदी में रंगधार बोलते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं इसको, ठीक, नहीं लिख लेना इसको। तो स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या करता है? वाष्पीकरण करने का काम करता है। वाष्पीकरण का मतलब इसमें क्या होगा कि CO2 गैस ये लेता है और O2 गैस छोड़ता है। वो कहाँ से निकलता है? तो स्टोमाटा से ही निकलता है, वाष्पीकरण। हाँ, उसमें गैसों का आदान प्रदान, पानी का निकलना, ठीक है। आप कहते हो कि पत्ते सूख गए, कैसे सूख गए? पानी कहीं ना कहीं से निकला होगा ना, अब निकलने का जगह नहीं रहेगा तो फिर पत्ता सूखेगा कैसे, ठीक। हाँ, हमेशा पौधे जो हैं CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, लेकिन रात में क्या होता है? रात में क्या होता है बोलिए? हाँ, बिल्कुल हम लोग की तरह, इसीलिए कहा था पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे भी क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं। कब? ये प्रक्रिया सिर्फ रात में होती है, लेकिन पीपल का पेड़ एक सिर्फ ऐसा है जो कि रात में भी क्या छोड़ता है? O2 ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए, ये एक रेस्कुलर टिश्यू के बीच में होता है। अब ये जाइलम कहाँ होता है? तो ये एक रेस्कुलर टिश्यू के बीच में होता है, उसका नाम क्या दिया गया है? ट्रैकियाड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, तीन ठो हैं। कौन कौन सा है? ट्रैकियाड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, तीन है उसमें। ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत? तो जाइलम क्या करता है? रूट टू शूट, याद रहेगा, रूट टू शूट, इतना याद रहेगा। अब समझते हैं हम लोग फ्लोएम। अब ये क्या था कि मटेरियल पहुंचाने का काम जाइलम कर रहा, लेकिन खाना बन जाएगा तो पहुंचाने वाला दूसरा आदमी है। ये कई आदमी को सारा काम कर दे देंगे तो फिर वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, किसी और से आएगा तो टिफिने फेंक देगा, रहिए मैं वो, ठीक है। देखिए इधर, उसी तरह यहाँ पर फ्लोएम है। तो फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम भी किसका बना रहता है? किसको? हाँ, ठीक है, रंध्र बोलते उसको ना, एस्टोमेटा को। फ्लोएम जो है किस टिश्यू का बना रहता है? मस्कुलर टिश्यू का बना रहता है। इसका भी काम ट्रांसपोर्टेशन का ही है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का करता है? फूड का। फूड का किस रूप में? तो बोलेंगे ग्लूकोज के रूप में। तो C6H12
O6 याद रखिएगा इसका फार्मूला, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत? अब देखिए पहुँचाने का काम करता है जाइलम जो है, अक्सर अगर मान लीजिए कि जाइलम है तो बोल देगा कि बाहरी परत में जाइलम होता है कि फ्लोएम होता है, तो बाहरी परत में पाया जाता है जाइलम के ज़्यादा, अंदर परत में क्या पाया जाता है फ्लोएम, अंदर वाले। मान लीजिए एक पौधा है, अब एक पौधा है तो पौधे के जो अगर ऊपरी परत पर देखोगे तो ऊपरी वाली परत पे तुम कभी कूचो ऊँचो तो तुरंत पानी छोड़ने लगता है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे दबाओ नाखून से तब भी पानी छोड़ने लगता है। तो हाँ, किसी भी पौधे से डंठल काट के ले आओ, तुम ले आओ तो तुरंत पानी छोड़ने लगता है। तब मतलब कि पानी वाला सारा पाइप किधर है, ऊपर की तरफ, और अंदर की तरफ भोजन वाला पाइप है, तो भोजन को ले जाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप याद रखना कि जाइलम हमेशा ऊपरी सतह पर रहता है और फ्लोएम हमेशा अंदर की ओर पे रहता है। क्लियर है कि पूछेगा ऑब्जेक्टिव में? अब कह रहा है कि जो फ्लोएम है, और फ्लोएम के भी तीन प्रकार हैं, फ्लोएम पैरेन्काइम है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम कोसेल। कोसेल मतलब कि सहायक कोशिकाएँ, इसको बोलते हैं सहायक कोशिकाएँ। क्लियर है? सहायक कोशिकाएं। अब क्या है कि सहायक कोशिकाएं, अब ये तीनों क्या क्या है देखिए, अब सहायक कोशिकाओं में चार तरह का है, सहायक कोशिकाओं में कितने हैं, चार तरह का। कौन कौन सा? तो कह रहा पहला है चालनी नलिका है, जो क्या करती है, इसको ट्यूब ट्यूब की तरह रहता है, फ्लो करने में उसको मदद करेगा भोजन को। साथी कोशिकाएं जो साथ में रहेंगी, ठीक, उसको कंपेनियन कोशिकाएं कहते हैं, ठीक। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर जो एक ऐसा रहता है जो डेड सेल होता है, अब ये डेड है, ठीक, मृत कोशिका रहता है। अब डेड है तो ना ये तो आदान करेगा ना तो प्रदान करेगा, ना पानी पहुंचाएगा ना भोजन, डेड है तो डेड है, इसे कोई मतलब नहीं रहता है। और देखेंगे डेड सेल वगैरह तो ऊपरी जो सेल वाल की सबसे ऊपरी प्रक्रिया परत होती है वो भी किस चीज़ का बना रहता है, सूखा लकड़ी रहता है, तो वो भी डेड ही रहता है, ठीक। उसके बाद आपका है फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है क्या, ये सब इसके पार्ट हैं फ्लोएम के, जो भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में काम करते हैं। कौन से जगह से? तो ये काम करता है शूट टू रूट, ये कैसा काम करता है, शूट टू रूट, याद रखिएगा शूट टू रूट काम करते हैं कौन, फ्लोएम, लेकिन रूट टू शूट कौन काम करता है, जाइलम। तो इसका भोजन से ऊपर के नीचे तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर? हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ कौन काम करता है, फ्लोएम, भोजन पहुंचाने वाला। कैसे पता? तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि खाना ऊपर नहीं, खाना जो है अक्सर पत्तियों के पौधों के पत्तियों में बनता है, तो ऊपर से नीचे आएगा तब तो जड़ तक पहुँचेगा, ठीक, चारों तरफ जाएगा। ऊपर तो मान लीजिए एकदम ऊपर टॉप पे तो भोजन बना ही होगा, फिर वहाँ से नीचे ही ना आएगा। तो तुम कॉमन सेंस ला के बताओ, हमारे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की जरूरत नहीं है कि समझिए, ऊपर से नीचे आने में कोई मेहनत करना है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में मेहनत करना है कि नहीं करना है? तो मेहनत ज़्यादा कौन कर रहा है, कम मेहनत कौन कर रहा है, फ्लेम कर रहा है। अब इसी ऊपर और नीचे जाने वाले को हम लोग परिवहन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसको कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेलुलर मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है, सेलुलर मेम्ब्रेन आपको पता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली हम पढ़ाए थे, याद है, ठीक, वो कौन कंट्रोल करता है, तो परिवहन को वही कंट्रोल करता है कि कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा, भित्ति झिल्ली एक ही है, ठीक है, समझिए। अब इसमें सेलुलर मेम्ब्रेन के दो प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार, एक निष्क्रिय परिवहन मतलब पासिंग ट्रांसपोर्ट, ये ऊपर से नीचे आएगा, क्लियर है, पैसिव है ये, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सक्रिय, ये जिंदा रहेगा तब नीचे से ऊपर जाएगा, तो सक्रिय उसके अंदर जो सेलुलर है, जो कोशिकाएं हैं, वो कौन सी एनर्जी लेके जा रही हैं, तो एटीपी लेके जाती हैं, उनमें कौन सी एनर्जी भरी जाती है, एटीपी। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए सेलुलर मेम्ब्रेन के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी एनर्जी है, एटीपी है, ठीक है, तो सेलुलर एनर्जी को ही कौन सी एनर्जी बोला गया है, एटीपी, ये दोनों एक ही है, क्लियर है, तो एटीपी के रूप में नीचे से ऊपर की तरफ ये जाती हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है परिवहन। एक बार और समझिए,
पूरे पौधे में सबसे पहला काम क्या होता है कि उसको भोजन बनाना है। अब पौधा एक कैसा नेचर में है, तो स्वपोषी है, स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफ से अपना भोजन वो खुद बनाता है। लेकिन भोजन बनाने के लिए उसको मटेरियल की ज़रूरत है, जिसको रॉ मटेरियल या कच्चा वस्तु कहते हैं। अब उसको भोजन बनाने के लिए खुद चाहिए मटेरियल, भोजन बनाने के लिए मटेरियल पहुँचाएगा कौन? तो पहला चीज़ पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो पहला चीज़ सामान जितना रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा मटेरियल चाहिए, वो कौन पहुंचाता है? जाइलम, जाइलम पहुंचाता है। जाइलम के तीन पार्ट, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, तीन ठे लिखवा है इधर का क्या? हाँ, ट्रैकियार्ड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैकियार्ड, ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो ये कहाँ से? रूट टू शूट, नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हैं, क्लियर है। लेकिन अब समझते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या करता है? बने हुए भोजन को पौधे के हर एक कोने कोने तक पहुँचाने का काम किसका है? फ्लोएम। अब पूछ देगा कि जाइलम जो पानी पहुंचाता है, उसको पंप से मदद करने में, पानी को बहुत तेज़ी से ऊपर पहुंचाने में कौन मदद करता है? तो मेसोफिल। कौन मदद करता है? मेसोफिल, क्लियर है, ठीक। पत्तियों के आखिरी छोर तक पहुंचाने में कौन मदद करता है? मेसोफिल। किसका मदद करता है? जाइलम का, क्लियर है, ठीक। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? सिर्फ भोजन को पहुँचाता है शूट टू रूट तक, मतलब जड़ के आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम किसका? भोजन का, फ्लोएम का। फ्लोएम का भी टोटल तीन पार्ट है, पैरन, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम कोसेल्स। कोसेल्स के मतलब कि सहायक कोशिकाएं, उसमें कौन कौन सा है? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन, और जो डेड सेल होता है, वो डेड सेल किसी काम का नहीं होता है, ऊपर से उसको बहुत मोटी वहाँ वो कवर किया रहता है, उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है, एक तरीके से कहते हैं प्रोटेक्टिव सेल से भी कहते हैं। अब दो है, अगर पूछ देता है पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ऊपर से नीचे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीचे से, सक्रिय आदमी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, निष्क्रिय आदमी हमेशा ऊपर से, याद रखने का, क्लियर हो गया। कल हम लोग समझेंगे हार्ट के बारे में।